हेलो फ्रेंड्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। तो हमारा विषय है आज का प्राकृतिक चिकित्सा। सिद्धांतों के बारे में हम थोड़ी सी पहले चर्चा कर चुके हैं, कुछ चार सिद्धांत के बारे में। चार सिद्धांत कौन कौन से हैं कि चिकित्सा रोग एक है, उसके कारण एक है और उसकी चिकित्सा भी एक ही है, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरा है कि रोग के कारण कीटाणु नहीं होते हैं, रोग के कारण कीटाणु नहीं होते हैं। तीसरा है तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। अब जो चौथा है वो है हमारा कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। फिर अगला है कि चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी के पूरे शरीर की होनी चाहिए। अब जो अगला हमारा सिद्धांत है वो है कि रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं। तो सिद्धांत जो है हमारा रोग निदान की आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ यह है कि रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं के ऊपर हम पढ़ चुके हैं इसमें कि प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली में जो है रोग की चिकित्सा नहीं होती। जो प्राकृतिक चिकित्सा में हम चिकित्सा देते हैं उसमें रोग की चिकित्सा नहीं होती है, अपितु रोगी की होती है। रोगी की होती है इस दशा में, इस चिकित्सा में रोग निदान का प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि जब हम प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा किसी रोग का ही रोगी की चिकित्सा करते हैं तो उसमें हमें निदान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, निदान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो रोग निदान अनावश्यकता इस बात से और ज़्यादा पुष्ट हो जाता है कि यदि प्रकृति को स्वीकार होता कि रोग या निरोग अवस्था में डॉक्टर निदान के लिए मनुष्य शरीर के भीतरी की जो अवस्थाएं होती है, भीतरी अवयव जो होते हैं, जैसे कि हमारा हृदय है, आते हैं, हमारी किडनी है, लीवर है, कि उनमें होने वाले स्पंदन और प्राकृतिक चिकित्सा क्रियाओं का होना देख सके। तो इसी तरह से कहा जाता है कि जो कुछ जांचें, जैसे कि हम सरल शब्दों में बता सकते हैं आपको कि जिस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा एक तरह से बहुत अलग चिकित्सा है, हमारी भारतीय संस्कृति की चिकित्सा है, इसमें जो हमारी एलोपैथी, होम्योपैथी, जो ये दवाइयाँ प्रयोग में लाई जाती हैं उनका कोई प्रयोग नहीं होता इस चिकित्सा में। तो इसी तरह से हम जान लेंगे कि अगर हमें किसी तरह की कोई बीमारी है, किसी तरह का कोई रोग होता है तो हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या है कि हमें बहुत सारी जाँचें करने के लिए बता देता है। डॉक्टर बहुत सारी जाँच करता है, लाइक एज ए सिटी स्कैन हो गया हमारा, ठीक है, और बहुत सारी जाँच कराता है। क्योंकि क्या है कि वो देखते हैं कि मशीनों के द्वारा क्या है, हमारे पूरे शरीर की जांच करते हैं तो उसमें क्या है, तब भी जो है रोग का पता नहीं लग पाता है। तो इसी तरह से जो हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा में रोग निदान, इसका मतलब यह है कि चिकित्सा में हमें जो है इस तरह की कोई भी जाँच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं, वो डॉक्टर्स क्या है, वो रोग को देखते हैं, रोग को देखते हैं, छोटा रोग हो या बड़ा रोग हो। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है, प्राकृतिक चिकित्सा में जो है चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी की होती है। क्यों? क्योंकि हम रोग का कारण पता करने की कोशिश करते हैं। इस चिकित्सा में रोग का कारण पता किया जाता है, फिर रोग का कारण या रोगी की चिकित्सा की जाती है कि इस रोगी को इस तरह का रोग किस प्रकार हो रहा है और किस कारण से हो रहा है। तो हमें उस कारण का पता लगाना चाहिए। जब हम उस कारण का पता लगाते हैं तो हमें प्राकृतिक चिकित्सा में रोगी को देखना होता है। और कारण क्या होता है, कारण होता है उसके शरीर में स्थित
विजातीय मल जो बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित रहते हैं, और जो विजातीय मल उसके शरीर में एकत्रित रहता है तो वही अनेक रोगों को जन्म देता है। तो इसी तरह से जब हम प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा करते हैं तो हमें रोग निदान की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब हमें किसी भी तरह की कोई जांच की आवश्यकता नहीं होती है, और अगर हमें इसमें जांच करनी पड़े तो ये फिर प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है, ये एक सिद्धांत है कि प्राकृतिक चिकित्सा में रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरह से क्या होता है कि जब ये रोग निदान का मतलब ये डॉक्टर्स होते हैं तो ये रोग निदान करते हैं, रोग को खोजते रहते हैं, इसी की खींचातानी में लगे हुए रहते हैं और रोग को और अधिक बढ़ावा दे देते हैं, और जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसकी बीमारी और अत्यधिक तेजी से फैलने लग जाती है। तो जब हम प्राकृतिक चिकित्सा में इस तरह की कोई चीर फाड़ या कोई जांच नहीं करते हैं, हम सीधा रोगी को देखते हैं, उसका कारण देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है रोग जो होता है व्यक्ति के शरीर में वो अत्यधिक मल के कारण होता है। जो मल उसके शरीर में सड़ रहा है, गल रहा है, उसी की वजह से व्यक्ति के शरीर में क्या है, रोग की मात्रा अत्यधिक होती चली जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपने देखा होगा कि जो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो जो रोग निदान होता है 90% वो गलत होते हैं लेकिन 10% सही होते हैं। तो इसी तरह से क्या है, लेकिन देव योग है अकस्मात, मतलब वो अचानक से इस तरह से होते हैं। तो अब यह हम आसानी से समझ लेंगे कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर लोग मानव समाज का कितना अहित करते हैं। क्यों? एक तो हमारा खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है, जो जाँचें होती हैं कम खर्चे में तो होती नहीं है, जब भी डॉक्टर्स के पास जाएंगे उसकी फीस हमें देनी पड़ेगी, जो वो जांच बताएगा, जो टेस्ट बताएगा वो हमें करवाने पड़ेंगे, तो हमारे जो है बहुत अधिक खर्चा आ जाता है। और प्राकृतिक चिकित्सा जो है सरल सुगम चिकित्सा है, इसमें किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपनी भारतीय संस्कृति की चिकित्सा को अपनाइए, अपने भारतवर्ष में इस चिकित्सा को लेकर आइए। जो अनेक प्रकार की जो ये दवाइयाँ चल रही हैं, औषधियाँ चल रही हैं, इन दवाइयों से व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, और अगर हमें अपने समाज को, अपने भारत को इन दवाइयों से मुक्त करना है तो हमें अपनी प्राकृतिक चिकित्सा और अनेक प्रकार की जो हमारी चिकित्साएं हैं उनको प्रयोग में लाना होगा। तो इसी तरह से कहा जाता है कि अब क्या है कि रोग निदान की विशेष आवश्यकता, इसीलिए जो है प्राकृतिक चिकित्सा में रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति के शरीर का मल बाहर निकल जाएगा तो उसके शरीर में जो रोग है वो भी उस मल के द्वारा बाहर चला जाएगा, तो इसीलिए रोग निदान की इसमें विशेष आवश्यकता नहीं होती है। अब हमारा अगला जो सिद्धांत है वो है जीर्ण रोग के रोगियों के आरोग्य लाभ में समय लग सकता है। जीर्ण रोग के रोगियों के आरोग्य लाभ में समय लग सकता है। ठीक है, जीर्ण रोग के रोगियों के आरोग्य लाभ में समय लग सकता है। वो क्या है कि जीर्ण रोग का मतलब क्या होता है कि जो बहुत पुराने रोग होते हैं, जो काफी समय से रोग चलते हुए आते हैं, उनको जीर्ण रोग बोलते हैं। एक तरह से उसमें जेनेटिक भी हो जाता है, और जिन रोग को, जिस बीमारी को काफी वर्ष हो जाते हैं, काफी लंबे समय से एक बीमारी चलती आती है, तो उसको जीर्ण रोग बोलते हैं। ठीक है, अब जीर्ण रोग के रोगियों में क्या होता है कि प्राकृतिक चिकित्सा के रोगी बहुत जो है देर में अच्छे होते हैं, तो जब हम प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा व्यक्ति की चिकित्सा करते हैं तो क्या होता है कि व्यक्ति को थोड़ा सा समय देना पड़ता है, उसको विश्वास करना पड़ता है, उसको सहन करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, तो तभी जो है इसमें इसीलिए सिद्धांत बनाया गया है कि प्राकृतिक चिकित्सा में जब हम प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा चिकित्सा करते हैं व्यक्ति की, तो उसका जो लंबे समय से रोग चलता आ रहा है वो अचानक से खत्म नहीं होगा, अचानक से उसकी समाप्ति नहीं होगी। उस रोग को ठीक होने के लिए
थोड़ा सा समय लग सकता है, और जब भी हम सही तरीके से कोई चिकित्सा करते हैं तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, और व्यक्ति को उस चिकित्सा पर विश्वास रखना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, अपनी जीवनी शक्ति जो होती है उसको प्रबल करना चाहिए। अगर व्यक्ति काफी लंबे समय से परेशान है तो उसको जो है धैर्य रखना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो चिकित्सक क्या है, आपको दवाई दे देगा, और दवाई देने के बाद क्या है, आपका रोग एकदम से जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन उसका क्या होता है कि अगर जो रोग जितनी जल्दी ठीक हो रहा है, समझो कि उस वो रोग सही नहीं हुआ है, वो रोग कुछ समय के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन वो वहीं के वहीं दब गया है। दबने का क्या मतलब है कि अगर वो दो रोग वहीं पे दब गया है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा। अगर एक चीज है उसको हमारे शरीर में मल है, मल अगर हम शरीर के बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा कि शरीर के अंदर मल पड़ा रहेगा, और वो उसमें क्या है, मल जो है एकत्रित रहेगा तो सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो उससे क्या है, वो दब गए रोग और ज्यादा रोग जो है उत्पन्न हो जाएंगे उसके साथ। अगर एक बीमारी आपको हो रही है तो उसके साथ में दो बीमारी और आगे चल के निकल के आ जाएगी। ये नहीं है कि आपने दवाई ली और आपका रोग समाप्त हो गया, जड़ से खत्म हो गया। जड़ से खत्म कभी नहीं होता है, वो रोग दब जाते हैं, ठीक है। और इन दबे हुए रोगों को निकालने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, तो इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत ये बताया गया है कि जीर्ण रोग के रोगों के आरोग्य लाभ में समय लग सकता है। कि जो लंबे समय से रोग चलते आ रहे हैं और अगर हम उनकी चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा करने में थोड़ा सा समय अधिक लग सकता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि चिकित्सक को या जो व्यक्ति रोगी होता है उसको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा सा विश्वास उसको इस चिकित्सा पर रखना चाहिए। अगर वो इस चिकित्सा पर पूर्ण विश्वास रखता है, धैर्य रखता है, अपनी जीवनी शक्ति में कमी नहीं होने देता है, और तो क्या होता है कि उसका रोग जो है जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाता है और वो जड़ से खत्म हो जाता है। तो इसीलिए कुछ सिद्धांत प्राकृतिक चिकित्सा ने बनाए हैं, जैसे कि यही है कि रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं है, जीर्ण रोग के रोगों के आरोग्य लाभ में समय लग सकता है। इसके और भी कुछ हमारे सिद्धांत हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।